So hello, what's happening guys? Welcome back to another new episode of Set Network. The video show के अंदर हमारे प्यार से के लिए कमेंट उसका लवली वाला shout out. और guys बिना time waste किए चलते हैं video की तरफ को. तो guys देखो यार, by the way आज की video के अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले. आज की video के अंदर आप लोग minor armor कैसे बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ रेसिपी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो यार अपने को सारे मिनियन जितने भी अपने उनको उनसे पैसा कलेक्ट करना है. देखते अपने पास पैसे कितने होते हैं. अभी तो 30,000 तो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 30,000 कंप्लीट हो चुके हैं. अब देखते हैं ये चाचा, ओ हो 3,000 दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 3,000 यार, ऑलमोस्ट अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं भाई. सब बहुत अच्छे तरीके से पैसे दे रहे हैं भाई साहब. और बस थोड़े ही बाकी हैं, यहाँ से ले लेते हैं. यार टाइम लगने वाला है यार, तो गाइस फटाफट से मैं कलेक्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ. ये कर लो पहले. तो गाइस फाइनली सारे पैसे कलेक्ट कर दिया और मेरे पास समवेयर अराउंड 100 यानी 1,00,000 रुपए हो चुके हैं. साथ ही साथ अभी मैंने जस्ट VIP किट मैंने ओपन किया है, जिसमें से हमारे को मिल चुका है डायमंड और मिनियन. तो इसको भी कहीं पे लगा देते भाई, जहाँ से मुफ्त का पैसा मिल रहा हो यार, ना कौन बोलता है भाई. ठीक है, तो ये एमरल्ड मिनियन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है. दूसरा एमरल्ड मिनियन भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. तो बस गाइस यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हमारा डायमंड मिनियन, और इसको कर देते हैं थोड़ा लेवल अप, और इसको कर देते हैं इसका ऑटो सेलर ऑन. तो गाइस बस ये भी हो चुका है पैसे कमाने के लायक, तो ये भी पैसे कमाएगा. ठीक है, तो गाइस देखो यार ये अपने आ चुके हैं ऑक्शन हाउस में. मेरे को थोड़ी और मिनियन चाहिए थे और वगैरह और वगैरह, बट यार ये कुछ ज़्यादा महंगा है. तो गाइस देखो आज हम बनाने वाले हैं माइनर मिनियन. अगर बना पाया तो मैं आज ही बना दूंगा, वरना तो ऑफलाइन रह के उसके लिए थोड़ा जो ग्राइंड मुझे करना पड़ेगा वो ग्राइंड करके फिर उसको दोबारा बना देंगे. ठीक है, तो गाइस देखो यार उसको बनाने के लिए आपको समवेयर अराउंड 24 स्टैक एन्चांटेड कोबलस्टोन चाहिए. ठीक है, 24 स्टैक एन्चांटेड कोबलस्टोन. अब गाइस मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आप लोग जब रेसिपी देखोगे तो आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, क्योंकि देखो आप नॉर्मल शॉप में से जाके बाय करोगे तो वो समवेयर अराउंड 500 रुपीज़ लेगा. ठीक है, बट अगर यहीं देखो ऑक्शन हाउस में तो नहीं मिला आपको. ठीक है, यहाँ आ चुके हैं बाजार में भी आपको नहीं मिला. ठीक है, फिर आप चले जाना गाइज यहाँ पे बिल्डर के पास. ठीक है, बिल्डर यार समवेयर अराउंड 8 रुपये का, मतलब 8 रुपये के 16 दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है. ठीक है, 8 रुपये के 16 मतलब बहुत सही है भाई, 500 तो कुछ ज़्यादा ही सही है. तो मैं फटाफट से इसे जितने स्टैक चाहिए मैं लेता हूँ फिर मिलता हूँ. तो गाइज फाइनली मैंने सारे के सारे स्टैक ले लिए, मेरे को जितना चाहिए था. अब गाइज इसकी रेसिपी दिखाता हूँ. पहले तो यार देखो इतने सारे हमारे पास हो चुके हैं, सबसे पहले तो मैं मेरे पैसे मेरे को जमा करना है. बाय द वे पैसे जमा भी करने हैं, साथ ही साथ आपको रेसिपी दिखानी है. तो आप लोग सोचोगे बस ये ऐसे रख दो, जब आप रेसिपी देखो तो आप सोचोगे ऐसे रख दो और हमारा बन जाएगा, तो नहीं गाइज ऐसा नहीं है. ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए एन्चांटेड कोबलस्टोन, जो कि देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. आप जब देखोगे टेक्सचर पैक तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो एन्चांटेड है या नॉर्मल, बट जब टच करोगे तब पता चलेगा. देखो गाइज ये रहा, लिखा है ना एन्चांटेड कोबलस्टोन. अब गाइज इसकी रेसिपी अब एकदम अलग है भाई. ठीक है, आप सोचोगे भाई ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे तो बन जाएगा, नहीं गाइज नहीं बनेगा. फिर ऐसे रख दोगे तब सोचोगे लगेगा बन जाएगा, नहीं गाइज नहीं बनेगा. ठीक है, इसकी रेसिपी गाइज क्या पता है, 10-10 करके आपको रखना पड़ेगा, आपको 10-10 करके रखना पड़ता है. मैं आपको बताता हूँ रेसिपी. देखो गाइज ये रही रेसिपी, ये है इसकी रेसिपी. तो आप स्टैक करके रखो कोई मतलब नहीं है, इसको 10-10 करके रखोगे तो ही मतलब है. ठीक है, तो गाइस मैंने थोड़ा तो बना दिया, 16 जितने तो बना के रखे. और भाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, 10-10 करके यार हर चीज़ को अलग करना है, अलग करने के बाद इसको बनाना है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग पर आ रही है, मतलब कंटाल आ रहा है बनाने के बाद, टाइम लग रहा है. ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास जितने भी अभी पैसे उनको रख देता हूँ, बिकॉज मेरे को अभी कुछ काम आने नहीं वाले वो. ठीक है, तो समवेयर अराउंड हमारे पास 2.2 मिलियन तो हो जाएंगे समवेयर, तो इसको रख देता है भाई, डिपॉजिट कर देते हैं सारे के सारा अमाउंट. ठीक है, हाँ तो सारा अमाउंट मैंने डिपॉजिट कर दिया है. तो गाइस मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ मेरी आइलैंड पे. ठीक है, इसके लिए अलग चेस्ट बनाना पड़ेगा, तो आइलैंड पे मिलता है आपसे. तो गाइस देखो यार आइलैंड पे तो आ गए, यहाँ पे मैंने एक चेस्ट बना दिया जिसके अंदर ऑलरेडी 2 स्टैक आप देख सकते हो, मिनिमम 2 स्टैक पड़ा हुआ है, मैंने बना के रख दिया है. और भाई मेरे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, इसको अलग से 10-10 करके रखना पड़ रहा है, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है वो करने में. ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ यार कि इसको ऑफलाइन ही बनाते हैं, ऑफलाइन बना के आपको मैं बता दूंगा कि ये अच्छा आर्मर है कि नहीं है और इसके ऊपर कौन से एन्चांटमेंट्स लगानी चाहिए. और देखो भाई इतने सारे आर्मर्स है भाई, सब कितने सारे,
तो बस गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड अप करता है। होप सो आप लोगों को वीडियो के अंदर मजा आएगा। मजा तो प्लीज ड्रॉप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस सी यू, टाटा एंड बाय बाय।